स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल मॉडर्न स्टडी में। मैं अरशद खान आज आपके साथ क्लास टेंथ के सामाजिक विज्ञान जो कि 2017 का पेपर है उसके साथ आपके सामने हाजिर हूँ, ताकि आप पेपर देखें, आपको आइडिया हो कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने अंक के होते हैं, कौन से क्वेश्चंस। तो इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो इसमें जो आएगा आपका सामाजिक विज्ञान में, उसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से आएगा, पर्यावरण का अध्ययन और नागरिक जीवन, और आर्थिक विकास यानी कि इतिहास, पर्यावरण, इकोनॉमी यानी कि नागरिक शास्त्र और नागरिक शास्त्र और आर्थिक यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड आएंगे क्वेश्चन। 70 नंबर के होंगे पूरे क्वेश्चन। 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा, 3 घंटे आपको लिखने के लिए, 15 मिनट क्वेश्चन पत्र को सबसे पहले पढ़ने के लिए कि उसके जो निर्देश दिए गए हैं आप उसके हिसाब से कार्य करें। तो इसमें दिया गया है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, का और खा। निर्देश में देखिए ध्यान देना है आपको किस तरह से यहाँ करना है काम। तो 2 खंडों में बटा हुआ है का और खा। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से शुरू करें, कहीं बीच से ही ना शुरू कर दें, आपको पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए उसके अंक उसके सामने लिखे हुए हैं। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय, जिनके संबंध में निर्देश उसके सामने दिया हुआ है। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ से देखिए आप सामने यहाँ भी कुछ निर्देश दिए हुए हैं, उसके बाद यहाँ से खंड का आपका शुरू हो रहा है। बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, लोवियाथन के लेखक कौन हैं। दूसरा, आपके पास 4 ऑप्शंस हर चीज़ के लिए दिया हुआ है जो, और कितने अंक का है वो उसके सामने आपको दर्शाया गया है। 1-1 मार्क्स के ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, आप देख सकते हैं। अगर किसी का आंसर आपको नहीं पता है या अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसका आंसर प्रोवाइड करवा देंगे। तो देखिए ये सब क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रहेगा 1-1 मार्क्स के। 4 क्वेश्चन आपके इस पृष्ठ पर है, दूसरे पृष्ठ पर चलते हैं, तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे पेज पर, तीसरे पेज पे 5वां क्वेश्चन है, फिर 6वां। तो लघु जो विकल्पीय क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें कुल 6 क्वेश्चन है 1-1 मार्क्स के, यानी कि 6 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं आप। इसके बाद शुरू होता है आपका अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, जो कि 1-1 क्वेश्चन के मार्क्स 2-2 मार्क्स हैं, 2 नंबर आपको मिलेंगे 1 क्वेश्चन पर। अति लघुत्तरीय में आपको लिखना रहेगा, जितना उसमें पूछा गया उतना आप लिख दीजिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन 2 गुटों में विभाजित हो गया पूरा विश्व, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम क्या हुए, इन क्वेश्चंस को आपको लिखना है, तीनों आपको करना है और 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। फिर शुरू होता है आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन, इसमें आपको 3-3 नंबर मिलेंगे 1-1 क्वेश्चंस के लिए। तो 10वां में देखिए 1 क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर उसका अथवा करके दिया हुआ है, यानी कि दोनों में से अगर आप किसी एक को भी लिखते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। 11वां क्वेश्चन में भी आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से किसी एक को लिखना है, साधारण विधेयक और धर विधेयक में अंतर क्या है ये लिखना है, और या तो संयुक्त संघ के 3 अंक के नाम लिख दीजिए। दोनों के लिए आपको 3-3 नंबर मिलेंगे, आप जो भी लिखें 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। 10 लघुत्तरीय में 3 मार्क्स, अति लघुत्तरीय में 2 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क आपको मिलता है। अब चलते हैं चौथे पेज पर, चौथे पृष्ठ पर। तो दोस्तों जो चौथा पृष्ठ है वो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, और दीर्घ उत्तरीय के लिए आपको 6 नंबर मिलते हैं 1 क्वेश्चन करने के लिए, आप देख सकते हैं सामने नंबर्स दिए हुए हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 3 योग्यताएं क्या होनी चाहिए, या तो आप इसको लिखिए या अथवा करके दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए, दोनों में से कोई भी आप करेंगे आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। 13वां क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन के बारे में बताइए, या आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की, समाज में इसके लिए किन किन 4 सुधारों का वर्णन किया गया उसकी बात करिए। तो 6-6 नंबर के क्वेश्चंस हैं, कोई भी आप करेंगे 6 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। इसके बाद क्वेश्चन जो आते हैं वो मानचित्र संबंधी प्रश्न होते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है निर्देश में कि निम्न प्रश्नों को भारत में रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा
नाम सहित दर्शाइए। सही नाम और सही अंकन के लिए आधे आधे नंबर आपको मिलेंगे। देखिए आपके सामने चिन्ह दिया हुआ है, गोला है, बीच में डार्ट है, इससे आपको दिखाना है कौन कौन से जगह को दिखाना है। आप 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आधे आधे नंबर का क्वेश्चन है, आधा प्लस आधा यानी कि एक नंबर का एक एक क्वेश्चन है आपका 14वां का। तो 14वां का पहला वह स्थान जहां महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तो महात्मा गांधी की हत्या कहां हुई थी आपको पता होगा, मानचित्र में आप जानते होंगे कि वह स्थान कहां है, तो आप दर्शा सकते हैं। आपको दिया जाएगा भारत का एक पूरा मानचित्र, वहां पर आपको दिखाना होगा। या अगर विश्व की बात की जाएगी तो विश्व का मानचित्र दिया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर आपको भारत का मानचित्र दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, वह स्थान जहां मौर्य साम्राज्य की राजधानी है, उसके लिए भी एक नंबर आपको मिलेगा। इसी चिन्ह के द्वारा आपको दिखाना रहेगा मानचित्र में कि यहां है। तीसरा, वह नगर जहां से 1857 की प्रथम क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ, वह स्थान आपको इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है जो आपके सामने दिख रहा है, डॉट और गोला। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर दोस्तों। ये रहा दोस्तों मानचित्र। इस तरह से आपको मानचित्र दे दिया जाएगा। इसमें आपको पॉलिटिकल सो स्टेट यहाँ दिखाना था, स्टेट में बांटना था। इस तरह से मानचित्र आपको मिलेगा आपके एग्जाम में, जहाँ पर आपको जो भी पूछा जाएगा उस चीज़ को वहाँ पर दिखाना रहेगा, अलग अलग सिग्नल्स के द्वारा, अलग अलग चिन्हों के द्वारा, जिस तरह से भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो उस तरह से आपको दिखाना रहेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी ही वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट पेज पर भी जो दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश का वह नगर जहां कुंभ मेला लगता है आपको पता होगा बनारस, वहां आप बना देंगे उस तरह से चिन्ह। वह स्थान जहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्थापित है, उस स्थान को आपको दिखाना रहेगा, तो उसके लिए वो भी चिन्ह लगाएंगे। तो किस तरह से मानचित्र मिलेगा हम इसको आपको वीडियो के अंत तक आप देखते रहिए, आपको दिखाएंगे किस तरह से आपको मानचित्र मिलता है, कौन सा उसमें कैसे करना रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो केवल दृष्टिबाधित क्षेत्रों यानी कि अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो उसके लिए दिया जाएगा अलग तरह का मानचित्र, जिस पर वह दिखा सकेगा इन सारे क्वेश्चंस को। तो ये दृष्टिबाधितों के लिए है। इसको करने के बाद आप दो खंडों में आपका क्वेश्चन पेपर बटा है, पहले ही निर्देश दे दिया गया है। तो खंड खा शुरू हो रहा है, तो ये भी शुरू होगा किससे, ऑब्जेक्टिव से, विकल्पीय क्वेश्चन। तो दिख रहा है चारों में से किसी एक को छाट करके लिखना है। तो नेपा नगर, जो नेपा नगर संबंधित है किस चीज़ से, कौन सी चीज़ के, इंडस्ट्रियल के लिए। अगर आपको किसी के क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको आंसर जरूर देंगे। अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि जो चीज़ प्रकृति द्वारा ना हुआ हो, जिसको मानव निर्मित बनाया गया हो चीज़ें, वो कौन सी आपदा है आपको लिखना है। 17वां देख लीजिए, भिलाई लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है, इसको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक एक मार्क्स के आपको पता है ऑब्जेक्टिव होते हैं। श्वेत क्रांति किस चीज़ से संबंधित है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, ऑप्शंस आपको चार चार दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये एक एक मार्क्स के हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसके बाद आता है आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस, दो दो नंबर के। अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम, भारत की दो व्यापारिक फसलों के नाम, आर्थिक नियोजन के दो लाभ, ये दो दो नंबर के क्वेश्चंस हैं आपके इस पृष्ठ पर। आप चलते हैं 7वें पृष्ठ के, लिखा हुआ है आपदा का अर्थ बताइए। लघु उत्तरीय शुरू हो रहा है तो तीन तीन मार्क्स के होंगे आपके। तो आपदा का अर्थ बताइए तथा आपदाओं के प्रकार लिखिए अथवा जलोढ़ मिट्टी की तीन विशेषता बताइए। दोनों में से कोई क्वेश्चन आप करेंगे तीन मार्क्स आपको मिलेंगे। 25वां की भारतीय कृषि की तीन समस्याओं की विवेचना कीजिए या मृदा क्षरण नियंत्रण हेतु तीन उपाय बता दीजिए, तीन मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। इन दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय शुरू होता है, 6-6 नंबर के क्वेश्चन। दक्षिण के पठार का वर्णन कीजिए इन टॉपिक्स पर, स्थिति और विस्तार, प्राकृतिक संरचना और उनकी वनस्पति के आधार पर, या आप क्या कर सकते हैं, मानसून क्या है इसको बताइए और मानसूनी वर्षा की चार विशेषताएं बताइए। 6 नंबर के आपके क्वेश्चंस हैं। 27वां क्वेश्चन भी 6 नंबर का है कि विदेश व्यापार का अर्थ समझाइए तथा भारत में के आयात और निर्यात की वस्तुओं पर प्रकाश डालिए, या कृषि निविष्ट से आप क्या समझते हैं कि नहीं, 5 निविष्टियों को बताइए। 6 नंबर के ये क्वेश्चंस हैं आपके। तो अगर आपको किसी का भी आंसर नहीं पता है तो आप में कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 8 तो 8वें पेज पर भारत में दिए गए मानचित्र पर निम्न चीज़ों को दर्शाना है, यानी कि आपको भारत का मानचित्र, दो मानचित्र मिलेंगे, एक उसके लिए जो पहले खंड का है और खंड खा के लिए भी एक मानचित्र दिया जाएगा।
इसमें दिखाना रहेगा, जैसे कि नंबर 28 का नंबर एक आप देख रहे हैं कि लूनी नदी को दिखाना है इस चिन्ह के द्वारा। आपके सामने चिन्ह दिख रहा है, इस चिन्ह के द्वारा लूनी नदी का नाम लिख करके आप दिखाइए एक नंबर के लिए। रबड़ का उत्पादन जो क्षेत्र है उसको आप इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए जो आपके सामने दिख रहा है। तीसरा, श्रीनगर को इस चिन्ह के द्वारा दिखाइए, और पारादीप बंदरगाह को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए, और हीराकुंड बांध को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। आपको मानचित्र दिया जाएगा, उसमें आपको इस चित्र के द्वारा दर्शाना रहेगा। तो ये हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस खत्म। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको देख रहे हैं नीचे, ये अंधे बच्चों के लिए है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न 28 के लिए मानचित्र है। तो ये रहा क्वेश्चंस आपका दोस्तों, आशा करते हैं अच्छा लगा होगा वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी ही वीडियोज़ लगातार मिलती रहेंगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको देखना है कि पेपर्स किस तरह से आते हैं तो चलिए आपको ले चलते हैं।